जेबीएम ऑटो, ऑफकोर्स जेबीएम ग्रुप की दिग्गज कंपनी, इसके बारे में तो हम सब जानते हैं। लगभग लगभग 40 साल से कारोबार में है, सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग से शुरुआत करी थी, पर अब अगर आप देखें तो ऑटो कंपोनेंट्स बनाने में, साथ ही ऑटो सिस्टम्स, बसेस, ईवीज समेत ये ग्रुप के काफी सारे डिविजन्स हैं, एंड ऑफकोर्स ऑटो इंडस्ट्री की एक दिग्गज है। 10 से ज्यादा देशों में कारोबार है और 20 से ज्यादा देशों में अंतर्राष्ट्रीय पार्टनरशिप्स हैं इनकी। जेबीएम ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है, दुनिया भर में 25,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं, ऑटो कंपोनेंट्स, टूलिंग, सीएनजी, इलेक्ट्रिक, इन सभी कंपोनेंट्स के मैन्युफैक्चरर हैं, ऑटो कंपोनेंट से जुड़ी हुई। आज हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं कंपनी के वाइस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर निशांत आर्या साहब, जो कि ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी से फाइनेंस एंड मार्केटिंग में बीएससी ऑनर्स ले चुके हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंसेज से बिजनेस डेवलपमेंट का कोर्स किया है, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से स्ट्रेटजी फॉर ग्लोबलाइजेशन कर चुके हैं और जनवरी 2010 से कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। एक आउटलुक से करते हैं शुरुआत। फिलहाल जिस तरह की स्थिति है ऑटो इंडस्ट्री की, एक तरफ बात की जा रही है कि कंडक्टर्स की शॉर्टेज है इसलिए सप्लाई थोड़ा कम है, डिमांड ठीक ठाक है, दूसरी तरफ ईवी का डिसरप्शन आ रहा है, तो एक जरा नजरिया दें ऑटो इंडस्ट्री में फिलहाल क्या चल रहा है और आगे का आउटलुक कैसा बन रहा है। देखिए, आज के दिन ऑटो इंडस्ट्री इज हैविंग द बिगेस्ट ट्रांजिशन व्हिच वी हैव सीन इन द लास्ट 100 ईयर्स। अब हम देख रहे हैं कि आज के दिन डीजल प्राइसेस आर टचिंग स्काई हाई, पेट्रोल प्राइसेस आर टचिंग स्काई हाई, इसीलिए सीएनजी गाड़ियों की सेल बहुत बढ़ रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है बिकॉज दैट इज ऑल्सो लो एमिशन इफ नॉट जीरो एमिशन, और उससे पोल्यूशन काफी कम होता है। और सारे ही ओईएम्स, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल में हो, पैसेंजर व्हीकल में हो, थ्री व्हीलर में हो, हर एरिया में सीएनजी व्हीकल्स का मार्केट शेयर बढ़ रहा है। सेकेंडली, हम लोग देख रहे हैं कि कस्टमर्स आर मूविंग टूवर्ड्स हाई परफॉर्मिंग व्हीकल्स, दे आर लुकिंग फॉर अफोर्डेबिलिटी, सेफ्टी, एंड हम अरी जैसी कंपनीज जेबीएम ऑटो में हम लोग हाई एंड बसेस बनाते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक बसेस बनाते हैं, प्लस सीएनजी बसेस बनाते हैं, टूलिंग्स बनाते हैं, वी आर रिड्यूसिंग टाइम टू मार्केट, और हम लोग पूरा ईवी इकोसिस्टम फोकस करते हैं। और ईवी आने वाले समय में आज के दिन काफी टेक ऑफ कर रहा है, और जो कंपनियां टेक्नोलॉजी फोकस करेंगी, जिससे टेक्नोलॉजी से कस्टमर को वैल्यू मिलेगी, वही कंपनियां आगे सक्सीड करेंगी, ये मेरा सोचना है। अभी तो सिर्फ एक बिगनिंग है, पर अगले 5 से 10 सालों में मेरे हिसाब से इन बस सेगमेंट ईवी करीबन 50% लेवल्स को क्रॉस कर जाएगा, और थ्री व्हीलर सेगमेंट में काफी अच्छा रहेगा, अराउंड 40-50%, एंड डेफिनेटली टू व्हीलर सेगमेंट में भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट आई थिंक वुड बी वन ऑफ द लास्ट टू कन्वर्ट, क्योंकि इसके अंदर एसेट यूटिलाइजेशन कम होता है, बट डेफिनेटली बैटरी टेक्नोलॉजी भी इंडिया में आ रही है और गवर्नमेंट का इतना सपोर्ट है पीएलआई में, तो डिमांड साइड पे और सप्लाई साइड पे दोनों पे काफी अच्छा फोकस है। फेम टू पॉलिसी है जिसके अंतर्गत आप इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीद सकते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ले सकते हैं, चाहे वो टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, लेकिन मैक्सिमम एलोकेशन फेम टू में भी बस कैटेगरी के लिए किया गया है, विच इज मोर देन 40%, बिकॉज वो एक आम आदमी के लिए है जिस एरिया में जे मोटो फोकस करता है। और साथ ही साथ इसके अंदर बहुत फास्ट इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है, इसलिए हमारे इंटरनल R&D सेंटर्स हैं जो कि इन टेक्नोलॉजीज को केटर करते हैं और फ्यूचर रोड मैप पे काम करते हैं, और एक बहुत ही सक्षम टीम है जो इसको लीड करती है और इन प्रोजेक्ट्स को और इन बिजनेसेस को एग्जीक्यूट करती है। बिल्कुल, तो ये एक आउटलुक इंटरेस्टिंग बताया, और पहले बसेस सीवी से शुरू होगा, थ्री व्हीलर्स, टू व्हीलर्स, और फिर इवेंचुअली पैसेंजर व्हीकल्स में ट्रांजिशन आने वाला है जहां तक ईवीज की बात है। तो बसेस का अगर इतना बड़ा शेयर होने वाला है और ऑलरेडी आप इसमें एक तरह की लीडरशिप या एक डोमिनेंट पोजिशन ले चुके हैं, आपका क्या रोल रहेगा जहां तक इस स्पेस का सवाल है, कितना शेयर आपका रहने वाला है ईवीज में, आपकी कंपनी की क्या पोजिशनिंग है स्पेस में? देखिए, हम लोग टॉप थ्री प्लेयर्स में एक रहेंगे, टॉप टू टॉप थ्री प्लेयर्स में इलेक्ट्रिक बस सेगमेंट में, बिकॉज हम सिर्फ इलेक्ट्रिक बसेस नहीं करते हैं, हम ईवी इकोसिस्टम प्रोवाइडर हैं, हम सॉल्यूशंस देते हैं उसके लिए। और तभी आप देखेंगे आज के दिन जेबीएम ऑटो हैज द हाईएस्ट मार्केट शेयर इन नॉन फेम ऑल्सो। नॉन फेम में दूसरे कस्टमर्स ने, हम चाहे वो प्राइवेट कस्टमर्स हैं चाहे अदर कस्टमर्स हैं, उन्होंने हमारी बसेस मैक्सिमम ली हैं आज के दिन, विच क्लियरली शोकेसेस
कि विदाउट सब्सिडी ऑल्सो मेनी कस्टमर्स आर वेरी कीन टू बाय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और वो मार्केट काफी अच्छा होने वाला है. अदरवाइज हम लोगों ने अच्छी सिटीज जहां बैंकेबल प्रोजेक्ट्स हैं, वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोजेक्ट्स हैं, उस पर काफी फोकस किया है. चाहे वो दिल्ली है, अहमदाबाद है, बैंगलोर है, नवी मुंबई है, झांसी है, अंडमान है, तो हमने काफी जगहों पे अपनी इलेक्ट्रिक बसेस ऑलरेडी डिप्लॉय कर दी हैं. हमारा एक्सपीरियंस भी करीबन 2.5 से 3 साल का हो गया है ऑन ग्राउंड, और उससे पहले भी हम लोग काफी R&D पे काम कर रहे थे, और हम लोग फेम 1 में भी थे और फेम 2 में भी हैं, और अब फेम 2 एक्सटेंशन का भी एक इंटीग्रल पार्ट है. एंड डेफिनेटली हम लोग मेक इन इंडिया पे फोकस करते हैं. बाहर से चीजें इंपोर्ट करके और असेंबल करके देना हमारा मोटो नहीं है. हाउ वी मेक इन इंडिया एंड वी मेक फॉर द वर्ल्ड, दैट इज द फोकस ऑफ जेवीएम ऑटो, और हम उसी रास्ते पर अग्रसर हैं. और हम लोग ये क्लियरली देख रहे हैं कैसे आने वाले समय में ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहेगी और हमारा मार्केट शेयर कंसिस्टेंटली ग्रो करेगा और हम लोग टॉप 2-3 प्लेयर्स में रहेंगे. फिलहाल कितनी ऑर्डर बुक है आपके पास इस स्पेस में? अभी रिसेंटली भी कुछ ऑर्डर्स आई थिंक दिल्ली सरकार से भी मिले हैं, और कितना रेवेन्यू रिकॉग्निशन इस फाइनेंशियल ईयर आने वाला है? हाँ नहीं, हमने लास्ट 3-4 मंथ्स में वी हैव अक्वायर्ड ऑर्डर्स फॉर 700 बसेस ऑलरेडी, एंड देर मेनी अदर ऑर्डर्स इन द पाइपलाइन ऑल्सो. तो जो 700 बसेस के ऑर्डर्स लिए हैं हम, वो सारे ऑर्डर्स इसी फाइनेंशियल ईयर में डिलीवर कर देंगे. एंड अब जो अगले साल के लिए हमारी काफी स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन हम लोग बिल्ड कर रहे हैं, विच वी विल बी शेयरिंग विद यू वेरी सून. ओके. इलेक्ट्रिक चार्जिंग इंफ्रा जो बन रहा है ऑल ओवर द कंट्री, इसमें भी आपका कुछ रोल रहेगा या कुछ अपॉर्चुनिटी यहां पर भी है जो आप देख रहे हो? नहीं डेफिनेटली, बिकॉज मैंने बात की थी ईवी इकोसिस्टम की, तो उसके अंदर हम लोग व्हीकल टेक्नोलॉजी, बैटरी टेक्नोलॉजी और चार्जिंग टेक्नोलॉजी सब पे फोकस करते हैं. एंड इलेक्ट्रिक बसेस के केस में जो हम चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करते हैं वो जेवीएम ऑटो खुद करता है, और उसकी टेक्नोलॉजी भी इन हाउस है. और बाकी जगहों पे हम देखते हैं कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का एसेट यूटिलाइजेशन काफी पुअर रहता है, जो कि सिंगल डिजिट परसेंटेज में होता है जनरली, या मैक्सिमम 10-12%, 13% जाता है, जिसकी वजह से उनकी वायबिलिटी नहीं आती है और वो प्रोजेक्ट्स आगे नहीं बढ़ पाते हैं. बट डेफिनेटली हमारे केस में हम लोग देखते हैं आवर चार्जिंग इंफ्रा के केस में हम लोग 40-50% तक एसेट यूटिलाइजेशन करते हैं, और उस केस में हमारे चार्जर्स टॉप हाई क्वालिटी फास्ट DC चार्जर्स होते हैं, जिससे बस भी 1 घंटे के अंदर ही चार्ज जाती है, और हम लोग टाइम टू मार्केट रिड्यूस कर पाते हैं और वो मैक्सिमम टाइम ऑन रोड स्पेंड कर सकती है. ओके. तो काफी सारे बड़े प्लान्स हैं ऑलरेडी, कुछ टेक्नोलॉजी इम्प्लॉय हो गई है, आगे भी करके होती रहेगी, और बसेस में तो ऑफ कोर्स बढ़िया ऑर्डर बुक भी है. बहुत बहुत शुक्रिया निशांत आर्या हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, और एक तरह का एक आउटलुक समझाने के लिए जहां तक पूरे ईवी इकोसिस्टम की बात है और ऑटो इंडस्ट्री.